मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ये एकजुटता कुछ दिन पहले कोलकाता में नजर आई थी। यहाँ एक ही मंच पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। कोलकाता के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये याराना 13 फरवरी को जंतर मंतर पर नजर आएगा, क्योंकि इस बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 फरवरी को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। तानाशाही हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ हो रहे इस प्रदर्शन में उन सभी नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जो कोलकाता की रैली में मौजूद थे। हम संसद जंतर मंतर पर इस देश की तानाशाही को खत्म करने के लिए और देश को बचाने के लिए जंतर मंतर पे हम लोग रैली करेंगे। तो कौन कौन से मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे? ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू का आपने नाम लिया, विपक्षी दल के और कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? जो भी इस तानाशाही के खिलाफ हैं, सभी लोगों से बातचीत चल रही है और हम लोगों का यही कोशिश है कि देश के अंदर जो भी इस तानाशाही के खिलाफ है सभी लोग उस मंच पे साझा करें। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में 4 साल पूरे होने पर पार्टी दफ्तर में देश की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए गोपाल राय गुरु मंत्र देते नजर आए और मोदी सरकार के खिलाफ होने वाली रैली की रूपरेखा भी तय की। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये होगा, दिल्ली में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मंच पर एक दूसरे के साथ आएंगे?